तो सीएम योगी के गढ़ यानी गोरखपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रैली करने जा रही हैं और ये मंच से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से मंच पर इस वक्त मिल रही हैं लोगों से प्रियंका गांधी और आज यहां पर कांग्रेस की ताकत दिखाने की कोशिश होगी और वो भी उस जगह पर जिसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। पूरी तैयारी है कांग्रेस की आज यहाँ पर इस रैली के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की। मंच की तस्वीरें योगी यहां पर आप देख रहे हैं, भूपेश बघेल भी आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं, साथ ही प्रियंका गांधी अब से थोड़ी ही देर में इस रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी और फिर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आज इस मंच से क्या कहती हैं प्रियंका गांधी। लगातार उन्होंने यूपी चुनावों की तैयारियों की कमान अपने हाथों में संभाली हुई है और पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है, जगह जगह जाकर लोगों से जुड़ रही हैं, बातचीत कर रही हैं, योगी सरकार पर भी लगातार हमलावर हैं और आज गोरखपुर में इस प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से कांग्रेस को मजबूती देने की कोशिश है, यूपी की सियासत में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, जिसका जिम्मा उठाया है प्रियंका गांधी ने। पुरजोर कोशिश, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पूरे राज्य का दौरा कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर पार्टी को मजबूती कैसे दी जाए, हर वो कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से हो रही है और आज कोशिश यही इस मंच से भी होगी। योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर को कहा जाता है, यहीं से हुंकार भरने की कोशिश है प्रियंका गांधी की। सुपर संडे है आज सियासत का, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में प्रियंका गांधी है तो आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या भी जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हैं ये प्रतिज्ञा रैली को से पहले की और इस रैली में बड़ी संख्या में यहां पर लोगों को जुटाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, लेकिन बड़ी बात यही हो जाती है कि देखिए रैलियों में तो जमावड़ा जुट जाता है लेकिन उसे वोट में कैसे तब्दील कर पाएगी कांग्रेस, ये बड़ी बात यहां पर और एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कांग्रेस को वो जमीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं जो फिलहाल धरातल पर कांग्रेस के लिए कहीं नहीं दिखाई देती और इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश तो पूरी प्रियंका गांधी कर रही हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो चुनावों के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल आप देखिए इस तस्वीर में आपको भूपेश बघेल भी दिखाई दे रहे हैं, भूपेश बघेल को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस रैली को सफल बनाए, साथ ही उत्तर प्रदेश में उन्हें कांग्रेस ने उतारा है, उनके ऊपर भी कई जिम्मेदारी है। आपको इससे पहले हमने खास तस्वीर भी दिखाई थी उस पोस्टर की, जिस पोस्टर में भूपेश बघेल को दिखाया गया है, उनका स्वागत किया गया है, भूपेश बघेल की जाति का उसमें जिक्र किया गया है, कुर्मी समाज का उसमें जिक्र किया गया है। तो एक तरीके से आप इसे समझिए कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे को भी उत्तर प्रदेश में भुनाने की कोशिश है, उनके चेहरे पर भी वोट बटोरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये उनका जो कांग्रेस की ये रणनीति है ये कितनी कारगर होगी ये फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए दूसरी तस्वीर में आपको पोस्टर फिर से देख रहे हैं जिसमें कुर्मी समाज के लोकप्रिय नेता के तौर पर भूपेश बघेल को दिखाया गया है और कहा है कि भूपेश है तो भरोसा। जोरदार नारा लगाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन यूपी में उनके चेहरे के बल पर भी कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मिशन यूपी, सभी पार्टियां इस वक्त पुरजोर कोशिश में हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ा जा सके और ऐसे में कांग्रेस भी इस बार, कांग्रेस में अगर हम खास तौर से बात करें प्रियंका गांधी वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस की जमीन कहीं ना कहीं तो बनाई जा सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।